हेलो एंड वेलकम ऑल। कंफ्यूज वर्ड्स के इस लेक्चर में आज प्रस्तुत होगा 15 कंफ्यूजन्स। 6 से लेकर के 20 तक 15 कंफ्यूजन्स हम दूर करेंगे इस लेक्चर में। थोड़ा सा यह लंबा होगा। पहला कंफ्यूजन है आर्टिजन और आर्टिस्ट का। आर्टिजन का मतलब होता है शिल्पी या दस्तकार। आर्टिजन का मतलब शिल्पी या दस्तकार। ब्लैकस्मिथ मतलब लुहार, गोल्डस्मिथ सुनार, चाहे कारपेंटर बढ़ई, यह सब दस्तकार हैं, शिल्पी हैं, तो इनको ही कहते हैं आर्टिजन। लेकिन वही आर्टिस्ट कहेंगे तो जिनको पेंटिंग आता है। हमारे फिल्म के जो करने वाले हैं हीरो हीरोइन, उनको आर्टिस्ट हम कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। आर्टिस्ट का मतलब होता है जो पेंटर होते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, आर्ट बुक में जो काम करते हैं, आर्ट बुक में जो होता है पेंटिंग ड्राइंग एटसेट्रा, इनको कहते हैं आर्टिस्ट। रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटर थे, इसलिए इनका नाम लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। और ब्लैक स्मिथ का ब्लैक आर्टिजन का ब्लैक स्मिथ इज अ गुड आर्टिजन, एक लोहार एक अच्छा शिल्पी होता है। तो इस तरह से आर्टिजन मतलब दस्तकार और आर्टिस्ट मतलब कलाकार का अंतर आप ध्यान रखेंगे। नाउ ऑडियंस एंड स्पेक्टेटर्स, इसको कहते हैं स्पेक्टेटर्स, मतलब होता है दर्शक, और ऑडियंस का मतलब श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वालों का समूह, दर्शक का मतलब देखने वालों का समूह, जो केवल सुनते हैं श्रोता, राइट। ऑल इंडिया रेडियो प्लेज सॉन्ग्स, ऑल इंडिया रेडियो सॉन्ग्स बजाता है फॉर इट्स ऑडियंस, अपने श्रोताओं के लिए। और ऐसे ही दर्शक, स्टेडियम में मैच होता है, देखते हैं लोग जाकर बैठ कर स्टेडियम में, तो जो बैठे होते हैं उन्हें कहते हैं स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स, द स्पेक्टेटर्स सिटिंग इन द स्टेडियम सपोर्ट इंडिया, जो स्टेडियम बैठे हुए हैं इंडिया का सपोर्ट करते हैं। नाउ दिस इज कपल, और कपल मतलब जोड़ा और पेयर मतलब जोड़ा। जो वर और वधु होते हैं इनको कहते हैं कपल। जो पति और पत्नी होते हैं मतलब इन्हें कहते हैं कपल, मतलब पुरुष स्त्री का जो एक जोड़ा होता है उसे कहते हैं कपल, ध्यान रखेंगे। और पेयर किसे कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के जोड़ा को कहते हैं पेयर। निर्जीव वस्तुओं का जोड़ा कहेंगे पेयर। तो अ न्यूली वेडेड कपल स्टिल डांसिंग, एक नव विवाहित जोड़ा। अ न्यूली वेडेड कपल मतलब एक नव विवाहित जोड़ा इज स्टिल डांसिंग, अभी भी डांस कर रहा है। कपल का प्रयोग कर दिया। नाउ पेयर का, राम हैज परचेज, राम ने खरीदा है अ पेयर ऑफ शूज, अ न्यू पेयर ऑफ शूज, जूतों का एक नया जोड़ा। नाउ द फोर्थ कंफ्यूजन इज डिस्पाइज, इसे पढ़ते हैं डिस्पाइज। डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा करना, डिटेस्ट मतलब पसंद न करना। तो आप हिंदी में समझ रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अंतर है। घृणा करना मतलब जब हम घृणा करते हैं किसी आदमी से, वह घृणा करना है डिस्पाइज। जब किसी भोजन को हम पसंद नहीं करते हैं, किसी बात को पसंद नहीं करते हैं, तो उसे कहते हैं डिटेस्ट। घृणा करना बहुत बड़ी चीज होती है, पसंद करना छोटी चीज होती है। डिस्पाइज, सम रिच पीपल, कुछ अमीर लोग, डिस्पाइज द पुअर, गरीबों से घृणा करते हैं। डिटेस्ट मतलब मीरा डिटेस्ट कर्ड, मीरा दही पसंद नहीं करती है, मीरा दही पसंद नहीं करती है। नाउ फॉर्मर एंड लैटर, इसे पढ़ते हैं लैटर। होता क्या है, मूवी आप देखते हैं, मूवी में इंटरमिशन होता है, तो इंटरमिशन के पहले वाले पार्ट को कह लेते हैं अगर हम फॉर्मर, तो इंटरमिशन के बाद वाले पार्ट को कह देंगे लैटर, ठीक। द फॉर्मर पार्ट ऑफ फिल्म इज डल, मूवी का दो भाग में से पहला भाग, देखिए दो भाग में से पहला और दो में से दूसरा, तो मूवी का पहला भाग डल है, सुस्त है,
फिर मूवी का दूसरा भाग, यहाँ पर लेटर का स्पेलिंग चेंज होगा, LATTER, लेटर। मूवी का दूसरा भाग इंटरेस्टिंग है, तो हमने फॉर्मर और लेटर का प्रयोग कर दिया। इंटरमिशन के पहले वाले भाग को फॉर्मर, इंटरमिशन के बाद वाले भाग को लेटर कह देंगे। नाउ अनदर फाइव कन्फ्यूजन्स, हैबिट और कस्टम। हैबिट मतलब आदत, कस्टम मतलब प्रथा। जैसे स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गया, जो बुरी आते हैं, अच्छी आते भी शामिल कर सकते हैं, जो हम रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसे कहते हैं आदत। कस्टम मतलब प्रथा, जैसे टर्बन पहनना, पगड़ी पहनना सिख लोगों की प्रथा है। मूवी में आपने देखा होगा जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो जब शादी होती है तो दुल्हन हमेशा सफेद जोड़े में होती है, तो अभी सफेद कपड़ा पहनना एक प्रथा है क्रिश्चियंस का। ऐसे ही जब हिंदू लोग का देहांत होता है तो उनके शरीर को जलाया जाता है, यह भी एक कस्टम है। मुस्लिम और जो क्रिश्चियन होते हैं उनके शरीर को गाड़ा जाता है जमीन के अंदर, यह भी एक कस्टम है, तो इसे कहते हैं कस्टम। इट इज अ कस्टम टू वियर अ टर्बन बाय सिख्स, सिख लोगों द्वारा टर्बन पहनना एक कस्टम है। नाउ लर्न एंड टीच। लर्न का मतलब जानते हैं ज्ञान प्राप्त करना, टीच का मतलब ज्ञान देना, बहुत सिंपल है, ध्यान रखेंगे। लर्न मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता है। मेरा लर्न टू रीड मराठी, मेरा मराठी पढ़ना, पढ़ने का ज्ञान प्राप्त करती है, चाहे सीख रही है, कुछ भी कहिए। टीच मिस्टर खान टीचेज मराठी, मराठी मिस्टर खान मराठी टीच करते हैं। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है। नाउ लेजिबल और रीडेबल। लेजिबल मतलब पढ़ने योग्य, मैंने लिख दिया, ये नहीं पढ़ सकते आप, तो कहेंगे कि आप पढ़ने योग्य नहीं है, लेजिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यह लिख दिया आप पढ़ सकते हैं, तो कहेंगे आपके लेजिबल है। तो जब लिखावट पढ़ने योग्य होती है तो उसे कहते हैं लेजिबल, और जब बुक में जो मैटर लिखा है वह पढ़ने लायक होता है, अच्छा होता है, यूजफुल होता है, तब उसे कहते हैं रीडेबल। हिंदी दोनों की पठनीय ही होती है, तो लिखा हुआ जो पढ़ने लायक होता है तो उसे बोलते हैं, और जो सामग्री होती है बुक में, कंटेंट होती है, वो अच्छी होती है, यूजफुल होती है, तब उसे रीडेबल कहते हैं। जैसे आप मान लेते हैं 10th में पढ़ रहे हैं और आपको स्पेस साइंस का बुक दे दिया जाए पढ़ने के लिए, वो आपके लिए रीडेबल नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा आपको। नाउ पीपल एंड पर्सन्स। पीपल मतलब लोग, पर्सन्स मतलब लोग, हिंदी तो एक ही है, लेकिन जब एक संगठित रूप में बात करते हैं लोगों को तब वहां पे पीपल लिखेंगे, और जब असंगठित रूप में बात करेंगे तब वहां पे लिखेंगे हम पर्सन्स। जैसे देखिए, हम द पीपल ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड पुअर, भारत के लोग गरीब समझे जाते हैं, तो इंडिया के पीपल की बात हो रही है, यहाँ पे संगठित पूरे देश भर के पीपल की बात हो रही है। वही ओनली 20% अटेंड द ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास कोई चल रही है मान लेते हैं, डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, दे डोंट नो ईच अदर और वन वन अदर, तो क्या कहेंगे कि वो पर्सन्स हैं, वो जानते नहीं एक दूसरे को। चाहे सिनेमा हॉल की बात कर लेते हैं, सिनेमा हॉल में अगर 300 लोग बैठे हुए हैं, उसमें से किसी परिवार से 2 जाता है, किसी से 1 जाता है, किसी 4 जाता है, एंड ये सब डिफरेंट डिफरेंट परिवार वाले लोग किसी को जानते नहीं है, इसलिए इनको कहेंगे पर्सन्स। 300 persons आर सिटिंग इन सिनेमा हॉल। लेकिन वही जब एक ग्रुप की बात करेंगे, बिहार के लोगों की बात करेंगे तो पीपल ऑफ बिहार, किसी पर्टिकुलर गांव के लोग बात करें तो पीपल ऑफ दैट विलेज, राइट। लेकिन अलग अलग जब बात करेंगे तो वहां पे पर्सन्स कहेंगे, लोग कहेंगे। रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट, 50 नंबर है रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी। संगठन खुद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करता है और अपनी मतलब खुद ही भर्ती करता है, उसे कहेंगे रिक्रूटमेंट। और एम्प्लॉयमेंट मतलब जिसमें जो संगठन है, जो इंस्टीट्यूशन है, यह खुद रिक्रूटमेंट करता है, उसे कहते हैं
रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट जब लोग पब्लिक नौकरी करती है, नौकरी के सर्च में जाती है, उसे कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा इसे और स्पष्ट करते हैं, रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती। भर्ती डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। इस भर्ती में क्या होता है, जो इंस्टीट्यूशन है वह स्टेप उठाता है, अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढता है और फिर अपने यहाँ रखता है, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट। यह नियमित रूप से नहीं होती है, इंस्टीट्यूशन का मन करता है, जिधर का जिस जगह का करेगा उस जगह पे जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, कहीं भी जाएगा, वहां से अच्छे लोगों को रिक्रूट कर लेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, रूटीन की होती है। इसमें एसएससी का ही है, नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर आराम से नौकरी होते रहेगी। तो भर्ती में इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट अधिक होता है और एम्प्लॉयमेंट में पब्लिक का इंटरेस्ट अधिक होता है। यही भर्ती और इंस्टीट्यूशन, रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट है। नाउ रॉब और स्टील। रॉब मतलब छीनना, रॉब मतलब छीनना बलपूर्वक। आप एक वर्ड तो जानते ही हैं, रॉबर मतलब डकैत, और स्टील मतलब चुराना। जैसे सपोज मेरे पास एक पेन है, अच्छा सा पेन है, कोई मेरे हाथ को पकड़ कर छीन लेता है, बोलता है कि पेन अब मेरा हो गया, इसे कहेंगे रॉब कर लिया। इसी पेन को मैं अपने बैग में रखा, वहां से किसी ने चुपके से ले लिया, इसको कहेंगे स्टील कर लिया। तो रॉब मतलब छीनना बलपूर्वक और स्टील मतलब चुराना, चुपके से चुरा लेना। यही है, हिज मनी वॉज रॉब्ड ऑफ बाई स्ट्रेंजर्स, उसके पैसे अजर्मियों द्वारा छीन लिए गए। स्टील का मतलब मीरा स्टोल राम्स इंग्लिश ग्रामर बुक, मीरा ने चुरा लिया राम का इंग्लिश ग्रामर का बुक। नाउ स्टेट एंड से, दोनों की हिंदी है कहना कहना। स्टेट मतलब औपचारिक रूप से कहना, जब हम लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, आई स्टेट दैट आई वॉज सिक ऑन सो एंड सो डेट, दैट्स वाई आई डिड नॉट अटेंड क्लास, एप्लीकेशन लिखते हैं ना आप, स्टेट करते हैं आप वहां पे। और से जब समान रूप से कहते हैं वहां पे से, तो स्टेट का मतलब लिखकर कहना, आज चाहे अगर आप कोई पदाधिकारी हैं और बोल रहे हैं पब्लिक को, चाहे कहीं बोल रहे हैं, आपको कहीं भाषण दे रहे हैं, तो उस वक्त भी जो से का वर्ड करेंगे आप, वहां पे स्टेट करेंगे। मतलब स्टेट मतलब औपचारिक रूप से, नियम के अनुसार, विधि के अनुसार जब हम कुछ कहते हैं तो वहां पे कहने का इंग्लिश हम लिखेंगे स्टेट, और जब ऐसे ही कह देते हैं उसे कहते हैं से। मैं ऐसे टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाने के लिए मैं कहता हूं, तो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए जब औपचारिक रूप से कहते हैं तब हम लगाते हैं स्टेट। टेंडर मतलब देना और गिव मतलब ही देना। टेंडर औपचारिक रूप से मतलब नियम के अनुसार, विधि के अनुसार आपको कहा जाता है कि आप दीजिए, उसको बोलते हैं टेंडर। और गिव मतलब देना, अपने मन से हम दे देते हैं कोई चीज, उसे बोलते हैं गिव। राम टेंडर्ड एन अपोलॉजी, राम ने क्षमा याचना दिया फॉर हिज बैड वर्ड्स, अपने गलत शब्दों के लिए। यही स्वेच्छा से हम कुछ देते हैं तो वहां पर करेंगे गिव। राम गेव आंसर टू द क्वेश्चंस, राम ने क्वेश्चंस के आंसर दिए। नाउ टेस्टिमनी। टेस्टी मतलब मनी मतलब प्रमाण। प्रमाण कैसा, केवल मौखिक, ये सब कोर्ट में होता है अधिक। टेस्टिमनी मतलब मौखिक, केवल मौखिक, लेकिन वहीं पे एविडेंस कह देंगे, एविडेंस का मतलब ही प्रमाण होगा, और मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। तो आप अब ध्यान रखेंगे आज से कि कोई कह रहा है कि एविडेंस, एविडेंस का मतलब क्या समझो, एविडेंस लिखित में भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन कोई कहता है कि टेस्टिमनी, तो आप समझ लीजिए कि खाली वो मौखिक में है, लिखित में नहीं है।
यही दोनों में अंतर है। मीरा गेव टेस्टिमनी टू द कमिटी, मीरा ने समिति को प्रमाण दिए, एविडेंस का। मीरा प्रोड्यूस द एविडेंस, मीरा ने एविडेंस प्रोड्यूस किए। नाउ विन और बीट, तो बहुत इजी है। विन मतलब जीतना, बीट मतलब हराना, बीट मतलब हारना नहीं हराना। इंडिया वन द मैच, इंडिया मैच जीत गई। इंडिया बीट पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान को बीट कर दिया, हरा दिया। तो इस तरह से ये पूरे 15 कन्फ्यूजन हमने दूर कर लिए हैं। आगे से कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में, हर लेक्चर में 5 कन्फ्यूजन्स रहे। किसी कारण से मैं सब पब्लिश नहीं कर पाया था, इसलिए आज पूरे 15 को एक ही बार पब्लिश कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।